सो हे गाइस, वेलकम बैक टू सोल टूर्नामेंट एंड अपडेट वीडियो। और आज अब थ्रस्ट ई स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट का सेमीफाइनल का आज डे वन था, जो कि अभी खत्म हो गया है। एंड अब बात करते हैं पॉइंट टेबल का। सो टीम सोल आपको #6 पे देखने को मिलने वाली है रैंकिंग में, और MVP रैंकिंग में टॉप में आपको एस पावर देखने को मिलेंगे। बाकी आज चिकन भी निकाला था टीम सोल ने 14 फिनिशेस के साथ, जिसमें सोल वर्सेज गॉडल की भी फाइट हुई थी। एंड वो वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, अगर आपको वो वीडियो देखना है तो वेट कर लो, ये वीडियो के एंड में मिल जाएगा। बाकी आपको ये वीडियो में टीम सोल के कुछ अपथ्रस्ट के अच्छे फाइट देखने को मिलने वाले हैं। और बस अब चलते हैं सीधा मैच की तरफ। बाकी चैनल पे जो भी नया है सब्सक्राइब कर देना, जो गोल है वो है 57K सब्सक्राइबर का। सो जो भी नया सब्सक्राइब कर देना। एंड अब चलते हैं सीधा मैच की तरफ। फाइट लेते नजर आएगी क्या मेरी स्पोर्ट्स की तरफ, कुछ ग्रेनेड्स का आदान प्रदान देखने को मिलेगा। सोल नकुल देखने को मिल रहे, वो ग्रेनेड दोनों तरफ से आ रहे हैं, और जो एक्यूरेट एंगल है वो एस पावर का देखने को मिला। फ्यूरी को डाउन कर दिया जाएगा टीम आईक्यू सोल, टीम केमिनी स्पोर्ट्स को एलिमिनेट करने के कदार पे देखने को मिल रही है। बट वेनम को भी यहाँ से व्हीकल के द्वारा डाउन कर दिया जाएगा। सोल अल्टू के द्वारा यहाँ पर नकुल को भी डाउन कर दिया जाएगा। जोकर रॉनी दो प्लेयर सर्वाइव करते हुए नजर आएंगे, क्या यहाँ पर टीम आईक्यू सोल सर्वाइव कर पाएगी। एक ग्रेनेड फैंटम की HP बहुत ही कम देखने को मिल रही है, वो ग्रेनेड गया, टीम केमिनी स्पोर्ट्स को यहाँ से एलिमिनेट कर दिया जाएगा टीम सोल के द्वारा। बट आप ये देखिए क्या और करके रखा हुआ है उधर देखने को मिल रही है। रेकनिंग स्पोर्ट्स दूसरी तरफ, जेनेसिस स्पोर्ट्स की तरफ जो उनका फाइट है वो देखने को मिलेगा। नकुल को डाउन कर दिया जाएगा। एस पावर द लास्ट मैन स्टैंडिंग, जोकर रॉनी तीन प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं। तीनों प्लेयर्स यहां पर शायद से शॉटगन की मदद लेते हुए नजर आएंगे। बट रॉनी ये क्या कर बैठे, उनको नॉक मिल जाएगा यहां पर। एस पावर सोल जोकर ये दो प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं, एंड इसी समय जेनेक्स स्पोर्ट्स भी एलिमिनेट हो जाएगी। बट दो प्लेयर्स टीम सोल की तरफ से नजर आती है देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ रेकनिंग स्पोर्ट्स उन पर प्रेशर क्रिएट किया जा रही है। एसपावर के पास बहुत ही कम यहाँ पर हीलिंग्स ना के बराबर देखने को मिल सकती है, जो लास्ट हीलिंग थी वो भी लगा दी जाएगी। कुछ ग्रेनेड्स एक एक्यूरेट एंगल जा रहा है, टीम को एलिमिनेट कर सकते हैं। बट जोकर इनका भी ग्रेनेड्स का एंगल सही जा सकता है, वो ग्रेनेड एंगल गया, कुछ हल्के से डैमेज दिए गए थे स्मोक के थ्रू, जो विजन है वो ब्लाइंड कर दिया जाएगा। अब देखना ये है कि कितने जल्दी सोल के प्लेयर्स अपनी लूट कंप्लीट करेंगे, कुछ हीलिंग एकत्रित कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि उनके पास जो हेल्थ है वो बहुत ही कम देखने को मिल रही है। सोच समझ के फाइट को अंजाम देना है, मिली सेकंड में बहुत ही कम समय में आपको डिसीजन मेकिंग बनाने की, फाइट लेनी या फिर पीछे हटना है। बट अभी के लिए जोकर का वो ग्रेनेड कनेक्शन बनाएगा, हंटर्स को करेगा नॉकआउट, और जहां तक मुझे लग रहा है समय भी ज्यादा बचा नहीं है, अपने ही प्लेयर्स की क्रेट को वहां पर लूट रहे हैं, और साथ साथ जेनेक्स FMP। बट इसी बीच जोकर को खाया जाएगा नॉकआउट, और लग रहा था कि थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं रहेगा। आप ओपन में आएंगे तो जी हाँ, ये कुछ होने वाला है जवाब थर्ड पार्टी के जरिए। और WSB का अगर देखा जाए हाइट एडवांटेज बिल्कुल सिमिलर सी नजर आ रही है, बट रेकनिंग इस चीज का फायदा उठा के निकली, या फिर सर्कल के अंदर ही जाना मेरे ख्याल से एकमात्र रास्ता जरूर बन सकता है। बट अब यहां से जोकर नॉकआउट ना हो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या हंटर्स फिर से नॉकआउट होंगे? जी नहीं, फिलहाल के लिए तो बच जाएंगे यहां पर। बट पंख के द्वारा कॉल बार बार यही आ रहा है कि इस जगह को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगले 3 सेकंड के अंदर इस सर्कल का डैमेज Stage 6 का होने वाला है। और वी ऑल नो Stage 6 का परसेंटेज जो होता है पर सेकंड, वो काफी भारी मात्रा में इनको प्रभावित करेगा यहाँ पर। देखिए टीम तमिलाज आगे की तरफ बढ़ती नजर आएगी, साथ ही साथ हमें, मैं जैसे ही टीम तमिलाज का नाम लिया, GDA के साथ उनकी फाइट शुरू हो चुकी है। एंड जोकर को डाउन मिल चुका है। पावर द लास्ट मैन स्टैंडिंग, अब वो क्या अपनी टीम के लिए एक अच्छी पोजीशन ला पाएंगे, क्योंकि वो ओपन एरिया में देखने को मिल रहे हैं, साथ ही साथ हर एक टीम उनको स्पॉट करे। पचेंसे ओजी वो भी प्लेयर डाउन हो चुके हैं। असला स्पोर्ट्स सामने की तरफ से प्रेशर क्रिएट करती हुई नजर आएगी। मिस्टर IGL आगे बढ़ेंगे, जो शॉट गन रहेगी उसकी मदद से एक एक करते हुए प्लेयर्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बट स्पॉट किया जाएगा, लेफ्ट साइड में देखा बट सामने की तरफ नहीं देख पाए। फॉक्स OPDBS लेके आगे बढ़ेंगे, क्या वो शोगन को फिनिश कर पाएंगे, अपनी टीम को बचा पाएंगे या GDR को एलिमिनेट कर पाएंगे? यस, हियर वी गो, GDR को एलिमिनेट किया। टीम तमिलाज इस सिचुएशन में अपने आप को बचा के जाएगी, साथ ही साथ सोल के एस पावर द लास्ट मैन स्टैंडिंग फ्रॉम हिज टीम। अब देखना ये है कि ये प्लेयर कितने कोशिश काफी अच्छी करी थी, बट रेकनिंग का वहां पर एकदम से सडनली वहां पर एंट्री होती है, लेकिन एस पावर का बचना अब यहां से एक नामुमकिन सा टास्क। लेकिन स्टिल His handling, वो कोशिश कर रहे हैं अभी भी यहाँ से, बट एस पावर हटना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीस्ट को कहीं ना कहीं बता दिया गया है यहाँ पर स्लग के द्वारा कि प्लेयर काफी ओपन में अपने आप को प्रोन करके बैठे हैं, तो थोड़ा सा आप ऊपर आने की कोशिश यहाँ पर कीजिए। बट फिलहाल के लिए बीस्ट को यहाँ पर बार बार बोला जा रहा है कि स्मोक पहले करके हील अप कर लीजिए, रिवाइवल दे दीजिए, फिर मैक्स ने उस नॉकआउट को फिनिश में कन्वर्ट किया। लेकिन मैक्स कन्वर्जन उनका भी टीम ब्लाइंड के द्वारा आता दिखेगा, और 15 पायदान पे टीम एक्सपा काफी पहले ही एलिमिनेट होकर दिख चुकी थी।
बट अभी के विंडगार्ड के खिलाड़ी ऊपर में आ देखेंगे अभी उनको स्पॉट किया, अभी बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे, अभी यहां से नॉकआउट होंगे और जी हाँ वो स्प्रेज अभी के ऊपर पड़ेंगे, अभी समापन आपको उनका भी दिख सकता है। बट इसी बीच आप देखिए तो टीम आई कुसोल एक फ्रैग उनके नाम पे भी जाता हुआ देखा, प्लेयर जीरो वो चेकआउट कर रहे हैं कि बाकी खिलाड़ी कहाँ बैठे हैं। डिप के राउंड खेलना इज नॉट दैट सेफ, बट देखते हैं कब तक बच पाएंगे क्योंकि यहाँ से टीम आई कुसोल को कहीं ना कहीं फाइट्स के अंदर जाते दिख रहे हैं और एक अच्छा एग्रेशन आता दिख रहा है। बट साथ के साथ आपको टीम आई कुसोल फाइट के अंदर तो ये भी जाते देखेंगे, जरूर से एक ग्रेनेड डाला बट कोई खासा कनेक्शन तो नहीं आता दिखा। टीम ओजी के खिलाड़ी है, पहचान कौन पहचान पाए उससे पहले ही समापन आपको इनका दिखेगा जरूर से। वो एक पहला फ्राग वो नकुल के नाम पे जा चुका है, आई कुसोल एक रिडेम्पशन पीरियड पे है, इनको एक बड़ा गेम एक बढ़िया गेम दिखाना पड़ेगा। कहाँ कहीं ना कहीं देखिए क्वालिफिकेशन में बहुत समय है, बहुत सारे दिन आपके पास, बट अगर आप इनिशियल फेज में वो बड़े गेम्स बनाते हैं चीजें आसान रहेंगी। एके ओपी का वो नेड अच्छी वैल्यू दे सकता था बट एके डैमेज उन्हें भी काफी ज्यादा पड़ेगा। एस पावर द सुपर पावर, क्या वो डीबीएस के साथ अपनी एंट्री दिखाना चाहेंगे यहाँ पर या अभी भी थोड़ा और इंतजार। लीजिए एक और नेड, रोनी को भी डाउन किया जाएगा। टीम आई कुसोल बराबरी की बातचीत हो सकती है अगर यहाँ से रोनी का वो कंफर्मेशन है, और जी हाँ वो कंफर्मेशन हमें आता हुआ दिखा दोनों ही दिशाओं में, एक एक फिनिश दोनों ही तरफ, एक एक फ्रैग जा चुका है, एक 3v3 की ये बैटल बची है और टीम ओजी वो ओपन के इलाकों से ये पूरी फाइट एग्जीक्यूट कर रही है। बट मैं चाहता हूँ यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी का आगमन ना हो जाए, प्रॉपर एक बैटल रहे 4v4 के साथ तो बेहतर रहेगा। बट अब यहाँ से कोई नॉकआउट नहीं चाहिए, तो बड़ा एस पावर का ये नॉकआउट ट्रिगर अब मेरे ख्याल से पुश करने वाले हैं और ये पुश बहुत वैल्यू क्रिएट करने वाला है फॉर द टीम ओरेंगोटैन। नकुल कैंपर ओपी अभी इनके ऊपर वो जिम्मेदारी, बट देखिए जो उसमें बात करता मेडल इसको शायद करीब आ सकती है यहाँ पर, बट उनको वक्त लग जाएगा यहाँ पर तब तक। लेकिन टीम ओरेंगोटैन का ये पुश क्या रोकने में कामयाबी मिल पाएगी शायद अभी के लिए तो मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि ट्रिगर का दूसरा ये फ्रैग एक ही ओपी हुए यहाँ पर नॉकआउट और अब आखिरी जो खिलाड़ी यहाँ पर बचे हैं कोशिश कर रहे हैं कैंपर ओपी, लेकिन उनको भी शायद यहाँ पर रोकने की कोशिश, बट कैंपर ओपी ने यहाँ पर ट्रिगर को कराया नॉकआउट। अब सब कुछ ऐश के कंधों में, ये फाइट 4v4 से स्टार्ट हुई थी, अब 1v1 की बैटल की तरफ आ चुका है और शायद ये कनेक्शन बनेगा। एंड जी हाँ ये दो फ्रैग्स और ऐश कंफर्मेशन। बाकी आपको टीम सोल का ये मैच कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताना, और साथ में अगर आपने टीम सोल का 14 फिनिशेस के साथ चिकन डिनर वाला मैच नहीं देखा है आज का, तो आप लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक कर सकते हो एंड जाके चेकआउट कर सकते हो। तो बस ये था आज का वीडियो, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ सोल के अपडेट एंड तोड़फोड़ के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप प्लेइंग, कीप सपोर्टिंग एंड